अल्लाह फ्रेंड्स आई होप यू आर डूइंग वेल सो so, uh, आज के इस लेक्चर में जो है मैं कंपेरिजन बताने जा रही हूँ डिफरेंट पोइंस की बुक का uh, मैं मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई थी इन उर्दू लैंगवेज लेकिन पता नहीं गैलरी में मिल नहीं रही डी टू हाई स्टोरेज की वजह से शायद वो डिसमिस हो गई है सो so, मुझे अभी दोबारा से ये वीडियो बनानी पड़ रही है सो so, कोई बात नहीं सो uh, so, मैं इस लेक्चर में जो है मैंने जो अभी फ़र्स्ट वीडियो बनाई है वो इंग्लिश लैंग्वेज में बनाई थी जो कि ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुकी है सो so, इस वीडियो में मैं जो है उर्दू लैंग्वेज का यूज़ कर रही हूँ और मैं आपको बता रही हूँ कंपैरिजन इन डिफरेंट प्रोविंस बुक्स एंड सो स्टार्ट वीडियो क्योंकि मेरे पास जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं डिफरेंट पेजेस पे व्हाट्सअप पे भी पे uh, का चैनल पर के स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम हमको कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए हम सिंध से हैं हम पंजाब से हैं हम की भी के भी कैसे हैं सो so, हर स्टूडेंट के लिए अलग इंस्ट्रक्शन है ठीक है मैंने पंजाब स्टूडेंट को एडवाइस दी और पंजाब स्टूडेंट जो है उसका फ्रेंड है सिंस स्टूडेंट उसने पंजाब स्टूडेंट ने सिंस स्टूडेंट को ये कहा भाई मैम ने ये कहा है अब सेंस स्टूडेंट भी उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने लग गया है बेटा या बेटा वो इंस्ट्रक्शन पंजाब स्टूडेंट के लिए थी नॉट फॉर सेंस स्टूडेंट सो so, इस तरह से आप लोग मिस गाइड हो जाते हैं और फिर इस तरह से डिस्टर्बन हो जाती है सो so, और फिर आप लोग जो है कहते हैं कि ये हमने क्या कर दिया ठीक है सो so, इस जैसे ये वीडियो मुझे बनानी पड़ी ताकि मैं सिंह स्टूडेंट को जो है वो अलग से बता सकूं पंजाब स्टूडेंट को अलग से बता सकूं के पी के के स्टूडेंट को अलग से बता सकूं बलूचिस्तान के स्टूडेंट को अलग से बता सकूं फेडरल के स्टूडेंट को अलग से बता सकूं सो स्टार्ट दिस वीडियो सो uh, so मैं कोशिश करूंगी कि आपके जो क्वेश्चन थे और जो डाउट्स थे अबाउट दिस बुक्स दीज डिफरेंट प्रॉब्स बुक्स सो मैं कोशिश करूँगी इसको जो है मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी इन दिस वीडियो सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो सिंह स्टूडेंट सामने आ जाए ठीक है अब उस सामने मुझे नज़र नहीं आ रही लेकिन मैं ये सपोज कर रही हूँ कि वो मुझे सुन रहे हैं ठीक है ये मैं मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल सिंह स्टूडेंट से मुखातिब हूँ ठीक है सो सिंध स्टूडेंट जो है वो सुनें मुझे सिंह स्टूडेंट के लिए ये इंस्ट्रक्शन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी सिंध टेक्स बुक को फॉलो करें ठीक है अपनी सिंध टेक्सट बुक को फॉलो करने के बाद वो अपनी सिंध टेक्स बुक को फॉलो करने के बाद जो है वो जो है फेडरल फेडरल टेक्स्ट बुक को फॉलो कर सकते हैं ठीक है और ये जो है मैं किस बेस पे कह रही हूँ इसका रीज़न भी मैं आगे मेंशन करूँगी तो सिंह स्टूडेंट के लिए मेरी ये इंस्ट्रक्शन है कि सिंह स्टूडेंट सब फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी सिंध टेक्सट बुक को प्रिपेयर करें देन फेडरल टेक्सट बुक पे मूव करें ठीक है और साथ साथ मतलब जो भी टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपने पहले सिंथ टेक्सट बुक से रीड किया उसके बाद आप फेडरल टेक्सट बुक से रीड करें तो इस तरह से सिंस स्टूडेंट की जो है अपनी टेक्सट बुक और फेडरल टेक्स्ट बुक साथ साथ कवर हो रही है ठीक है सो so, मैंने सिंस स्टूडेंट के लिए दो बुक्स जो है प्रीफेर की है फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी उनकी अपनी सिंध टेक्स बुक एंड सेकेंड वन फेडरल टेक्सट बुक ठीक है सो so, ये सिंह स्टूडेंट जो है अपने पास नोट कर लें ठीक है अब मैं इसका आपको रीज़न बता रही हूँ कि मैं ये किस बेस पे कह रही हूँ सो so, ये मैं इस बेस पे कह रही हूँ कि सिंध uh, स्टूडेंट ये भी पूछते हैं मुझसे कि पंजाब टेक्स्ट बुक भी रीड करें और फेडरल भी रीड करें इतना तो हमसे नहीं होगा तो पंजाब टेक्सट बुक रीड करने की क्या ज़रूरत है सिंध टेक्सट बुक एंड पंजाब टेक्सट बुक ये जो है सिमिलर है सम हाउ लिटल बिल्ट डिफ्रेंस हो सकता है बट इट्स टोटली सेम ठीक है सो so, सिंध और पंजाब जो है वो सेम है बुक्स सो सिंध स्टूडेंट को अगर वो अपनी बुक को रीड कर रहे हैं तो उनको नीड नहीं है पंजाब टेक्स्ट बुक को रीड करने की ठीक है वो अपनी टेक्स्ट बुक को रीड करें क्योंकि सिंध टेक्स्ट बुक जो है पंजाब टेक्स्ट बुक के सिमिलर है तो उनको पंजाब टेक्स्ट बुक रीड करने की कोई नीड नहीं है सिंध स्टूडेंट को सिंध स्टूडेंट को अपनी टेक्स्ट बुक रीड करने के बाद फेडरल टेक्स्ट बुक रीड करने की नीड है और फेडरल टेक्स्ट बुक के बाद कोई भी किसी भी प्रोविंस की बुक को रीड करने की नीड नहीं है ठीक है अच्छा फेडरल टेक्स्ट बुक के बाद ये इस वजह से मैं कह रही हूँ क्योंकि के पी के की जो बुक है और जो बलोचिस्तान की बुक्स है वो बिल्कुल सिमिलर है फेडरल टेक्स्ट बुक के तो अगर आपने अपनी सिंह टेक्स्ट बुक को रीड कर लिया ठीक है और उसके बाद फेडरल को रीड कर लिया तो आपको किसी भी बुक की नीड नहीं है क्योंकि फेडरल सिमिलर uh, है के पी के एंड बुक्स है ठीक है सो आपको फिर उन बुक को रीड करने की नीड नहीं होगी अगर आपने फेडरल टेक्स्ट बुक रीड कर ली ठीक है इस तरह से अगर आपने अपनी सिम टेक्स्ट बुक रीड कर ली तो आपको पंजाब टेक्स्ट बुक रीड करने की कोई नीड नहीं होगी ठीक है सो आई होप यू आर अंडरस्टुड डेट कि वो कौन सी बुक रीड करनी चाहिए सिंह स्टूडेंट के लिए मेरी इंस्ट्रक्शन थी कि वो अपनी सिंटेक्स बुक के साथ फेडरल टेक्स्ट बुक रीड करे और मैंने रीज़न भी मेंशन कर दिया है ताकि उनके डाउट हमेशा के लिए जो है वो क्लियर हो सके सो so, सि स्टूडेंट आप साइट पर हो जाए ठीक है और उनका कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे आप कमेंट बॉक्स में लास्ट में पूछें मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी ठीक है एज सुन एज पॉसिबल so, सो अब आ जाए पंजाब टेक्सट बुक पंजाब स्टूडेंट जो है वो अब सिंह स्टूडेंट तो साइड पे हो जाए उनको मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी है और अंडरस्टूड भी कर लिया है अब जो है पंजाब स्टूडेंट सामने आ जाए ठीक है पंजाब स्टूडेंट जो है और से सुने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी पंजाब से पंजाब टेक्स्ट बुक रीड करनी है उसके बाद फेडरल टेक्स्ट बुक रीड करनी है सेम रीज़न है जिस तरह मैंने सिंह स्टूडेंट को दिया है कि पंजाब पंजाब टेक्स्ट बुक सिमिलर है सिंस पंजाब टेक्स्ट बुक सिमिलर है सिंह बुक के सो डोंट बी नीड टू रीड सिंह बुक ठीक है पंजाब स्टूडेंट अगर अपनी टेक्स्ट बुक रीड कर रहे हैं तो सिंस सिं टेक्स बुक रीड करने की नीड नहीं है ठीक है वो अपनी टेक्स्ट बुक रीड करने के साथ तो फेडरल टेक्स्ट बुक भी रीड करें ठीक है और फेडरल टेक्स्ट बुक रीड करने के बाद उनको कोई नीड नहीं है कि, कि वो के पी के की बुक रीड करें या बलूचिस्तान की बुक रीड करें बिकॉज इट्स टोटली सेम एज़ फेडरल टेक्स्ट बुक ठीक है क्योंकि बिल्कुल सेम है फेडरल टेक्स्ट बुक के सो so, पंजाब टेक्स्ट बुक जो है उसके साथ आपको फेडरल टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है पंजाब स्टूडेंट के लिए इंस्ट्रक्शन सो so, आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी ये इंस्ट्रक्शन सो पंजाब स्टूडेंट अब वो भी साइड पर हो जाए और उनका भी कोई क्वेश्चन हो माइंड में सो so, uh, वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं ठीक है यू आर मैं यू आर मोस्ट वेलकम सो साइड पे हो जाए पंजाब स्टूडेंट अब आ जाए जो है के पी के के स्टूडेंट सो के पी के के स्टूडेंट को जो है uh, मैं केपी के स्टूडेंट के सामने आ जाए मैं उनको इंस्ट्रक्शन देने जा रही हूँ तो के पी के स्टूडेंट जो है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि के पी के की बुक बिल्कुल सेम होती है फेडरल टेक्स्ट बुक के तो उन पर डिपेंड करता है या तो अपनी बुक रीड करें या फेडरल टेक्सट बुक रीड करें बट मैं प्रेफर करूँगी के पी के स्टूडेंट को कि वो फेडरल टेक्सट बुक रीड करें क्योंकि उसमें जो है हर टॉपिक पर काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है ठीक है और मैंने जैसे बताया कि KPK के पी के की बुक जो है वो सेम ही होती है फेडरल टेक्स्ट बुक के तो इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा कि अगर आप अपनी रीड करें या फेडरल रीड करें लेकिन मैं प्रेफ़र करूँगी कि आप फेडरल रीड करें ठीक है और फेडरल के साथ आप लोग पंजाब टेक्स्ट बुक भी रीड करें ठीक है सो so, ये बहुत ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा लेकिन अगर आप सिर्फ फेडरल भी रीड करते हैं डेट्स इनफ लेकिन फॉर द बेटर अचीवमेंट्स फॉर द बेटर स्कोर इन एन एम डिकेट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू मतलब ज़्यादा स्कोर करने के लिए और ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए मैं आपको प्रेफर करूँगी के पी के के स्टूडेंट से मुहािब हूँ मैं ठीक है मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप अपनी फेडरल टेक्स्ट बुक के साथ पंजाब टेक्स्ट बुक को भी रीड करें ठीक है सो so, के पी के के स्टूडेंट के लिए ये इंस्ट्रक्शन थी और आ, मेरा अपने तमाम बहन भाइयों जो के पी के से हैं सो उनको बहुत ज़्यादा दुआएं मेरी तरफ़ से और बाकी ये कि प्रिपेशन मेरे जो है सब स्टूडेंट जो है एक ही है मेरे लिए बराबर है कोई डिफरेंस नहीं है बट ये कि मैं फाटा से हूँ ताल्लुक़ है मेरा तो वहाँ पे जो है काफ़ी मेरे आ, रिलेटिव भी है सो उनके लिए बात थी So, uh, उम्मीद है कि के पी के किसम जो है समझ चुके होंगे और अगर उन्हें समझ नहीं आ रही तो मैं क्या उनसे उनकी लैंग्वेज में मतलब मैं अपनी लैंग्वेज भी उनसे बात कर सकती हूँ सो so, uh, uh, मुता लगी उसे तो समझ छवि वही और uh, सलाताओवल चहपल टेक्स बुक दी तो सहपल टैक्सट बुक जैसा के पी के बुक्स में दाई दा बिल्कुल सेम दई द फेडरल टेक्स बुक सर बिल्कुल सेम तो पी के बुक तो अकबल का ली दिल भी का जगह अकबल फैडरल टेक्स बुक सारा पंजाब टेक्स बुक रीड कई सो इट्स मॉर बैटर फॉर द एन एम डी कैंट्रीब्यूशन द वी आर डेर बैटर वी साइशवा सो अकबल फैडरल टेक्स बुक केपी के बुक बिल्कुल सेम दैडरल टेक्स बुक विधा बिल्कुल दा ख़बर हाँ आसता तो 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 पाता भी सो फेडरल टेक्स्ट बुक तुझ ऑलरेडी का फॉलो का वही ऐसे पंजाब टेक्सट बुक ज़रूर फॉलो कही दि डेरा रेखा भी तुम बोरा हो सो ये जो है मैं अपनी लैंग्वेज में बात कर रही थी सो so, बाकी जो प्रोविंस के स्टूडेंट हैं उनको समझ नहीं आई होगी तो मैं कैपी के स्टूडेंट को अपनी लैंग्वेज में बता रही थी वही बात जो मैंने उर्दू में इससे पहले बताई थी सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल माई स्टूडेंट सो so, अब KPK के के स्टूडेंट जो है वो साइड पे हो जाए और आ जाए बलूचिस्तान के स्टूडेंट सो so, बलूचिस्तान के स्टूडेंट जो है वो उनके लिए भी सेम इंस्ट्रक्शन है जो मैंने KPK के पी के के स्टूडेंट को दी है कि वो उनकी टेक्स्ट बुक बिल्कुल सेम होती है फेडरल टेक्स्ट बुक के तो अपनी फेडरल टेक्स्ट बुक को रीड करें ठीक है और फेडरल टेक्स बुक के साथ जो है वो फॉर दी बेटर प्रिपरेशन पंजाब टेक्स बुक को भी रीड कर सकते हैं ठीक है सो सेम इंस्ट्रक्शन थी के पी के और बलुचतान के स्टूडेंट को ठीक है सो so, फेडरल स्टूडेंट सामने आ जाए फेडरल स्टूडेंट के लिए ये इंस्ट्रक्शन है ज़ाहिर सी बात है वो अपनी टेक्स्ट बुक को ही रीड करेंगे ठीक है वो अपनी टेक्स्ट बुक को रीड करें और हो सके तो पंजाब टेक्स्ट बुक को भी रीड कर सकते हैं ठीक है सो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन यू सो यहाँ पे जो है मैंने आपको तमाम कंपैरिजन बता दिया है और इंस्ट्रक्शन दे दिया है सिंध स्टूडेंट को अलग दिए पंजाब को अलग दिए फेडरल को अलग दिए के पी के को अलग दिए बलूचिस्तान को अलग दिए बलूचिस्तान स्टूडेंट को अलग दिए मैंने प्रोविंस को इंस्ट्रक्शन नहीं दिए स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन दी है ठीक है सिंध स्टूडेंट को मैंने अलग इंस्ट्रक्शन दिया बाकी तमाम प्रोविंस के स्टूडेंट को मैंने अलग अलग इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किए तो उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया जाए और मिस गाइड Uh, ना करें एक दूसरे को मैं देती हूँ सिंह स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन और समझने लग जाते हैं पंजाब स्टूडेंट्स सो डोंट बी हेसिटेट और डोंट बी मिस गाइड एनी साइड ठीक है मिस गाइड so ना हुआ करे किसी भी साइड से जो मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी है ये बहुत ही बेटर इंस्ट्रक्शन थी आप लोग के लिए और अभी आप लोग जो है इन जो फजूलियात पर आप लोग पढ़ जाते हैं ना कि क्या करें क्या करें आपको पता ही नहीं होता तो इस वीडियो को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है पूरी तरह से समझ चुके होंगे और फिर भी आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है कोई भी डाउट स्टिल प्रेजेंट होता है आपके माइंड में सो तो, राइट द कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स एंड uh, मैं ज़रूर जो है आपको रिप्लाई करूँगी एज़ सुन एज़ पॉसिबल एंड बस यहाँ पे जो है मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ ये मेरी जो है उर्दू लैंग्वेज में थी ये वीडियो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो इंग्लिश लैंग्वेज में थी ठीक है क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में जो है हमारा पार्ट है कुछ आउट ऑफ कंट्री भी है हमारे पास स्टूडेंट तो उनको जो है मतलब उनको उर्दू इतनी अच्छी आती ही नहीं है है तो वो पाकिस्तानी लेकिन वो रहते आउट ऑफ कंट्री है ठीक है तो उनको इतनी अच्छी उर्दू समझ नहीं आती तो इस वजह से वो जो है उनके लिए था क्योंकि वो बाहर से आके यहाँ पे टेस्ट देते हैं और यहाँ पे पढ़ने को ज्यादा प्रेफर करते हैं ठीक है वो रहते वो है वो पाकिस्तानी लेकिन जाहिर सी बात है वो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं तो उनकी उर्दू इतनी अच्छी नहीं होती तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में था वो फ़र्स्ट यही वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज में थी ठीक है डिटेल एक्सप्लेनेशन अमंग द डिफरेंट प्रोविंस बुक ठीक है यही वीडियो फ़र्स्ट मैंने इंग्लिश लैंग्वेज पे अपलोड की थी आउट ऑफ कंट्री स्टूडेंट के लिए ठीक है फॉर स्टूडेंट के लिए और ये वाली जो उर्दू लैंग्वेज में है और जिसमें मैंने KPK के पी के स्टूडेंट को अपनी लैंग्वेज में वही बात कही है ठीक है क्योंकि KPK के पी के के स्टूडेंट को भी थोड़ा सा थोड़ा सा मसला थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में इश्यू हो जाता है ठीक है सो so, इस वजह से मैंने उनको थोड़ा सा उनकी लैंग्वेज में मतलब गाइड कर दिया है सो आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा ये I मीन mean, ये वीडियो अच्छी लगी होगी ठीक है अगर आपको ये अच्छी लगी है और आपको पसंद आई है तो आप इसको आप इस जो लाइक का बटन है ना उसको प्रेस करें उसको प्रेस करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि ये आपको अच्छी लगी है ठीक है और इसको शेयर करें डिफरेंट पेजेस पर डिफरेंट स्टूडेंट के साथ क्योंकि बेचारे वो कन्फ्यूज़ ही रहते हैं स्टूडेंट सिंध के पंजाब के क्योंकि हम इंस्ट्रक्शन किसी को दे रहे होते हैं समझ कोई और रहा होता है तो ये स्टूडेंट आप लोगों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है स्प्रेड आउट करवाएँ और डिफरेंट स्टूडेंट में डिफरेंट आपके जो फ्रेंड्स हैं डिफरेंट पेजेस पे डिफरेंट ग्रुप जो आपके बने हैं ठीक है सो so, आपको ये आप ये शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरह से आपके डाउट्स क्लियर हुए तो आप कोशिश करें कि दूसरे स्टूडेंट की भी डाउट क्लियर हो और वो भी प्रमिशन की तरफ जो है मूव कर सके सो so, यहाँ पे जो है मैं ये वीडियो एंड करती हूँ अपना ख्याल रखेगा मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखेगा और इस संडे को हम जो है कोई टेस्ट मैं कोई टेस्ट अरेंज नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी था मेरा ये वीक बहुत ही ज़्यादा सो इस वजह से और बाकी मैं जो है कोशिश करवाऊँगी कि मैं एक्सरसाइज फेडरल की सारी करवाऊँ पंजाब की और सिंध की ठीक है इन तीनों बुक की क्योंकि तो मेरे पास रिसेंटली के पी के स्टूडेंट जो हैं मैसेजेस कर रहे हैं कि उनकी टेक्स्ट बुक को भी मैं रीड आउट करवाऊँ तो जिस तरह मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की है कि फेडरल टेक्स्ट बुक इज सिमिलर के पी के एम बलोचिस्तान टेक्सट बुक सो इस वजह से मैं फेडरल टेक्सट बुक अगर रीड करवा रही हूँ तो KPK के पी के के स्टूडेंट को चाहिए कि वो यहाँ से वो वीडियो देख ले फेडरल टेक्स बुक की और उसके बाद वो एबल हो सकते हैं अपनी टेक्सट बुक को रीड करने की अगर वो चाहे तो ठीक है सो so, यहाँ पर जो है मैं ये वीडियो एंड करती हूँ अपना ख़्याल रखेगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखेगा क्योंकि मुझे आप लोग की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ठीक है और आप लोग का प्यार बहुत ज़्यादा है मैं बहुत ज़्यादा जो है इस पर प्राउड फील करती हूँ आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं बहुत ज़्यादा दुआएं देते हैं सो मुझे आपसे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए ठीक है और इस तरह से मुझे अपनी दुआओं में याद रखें इस तरह से जो है आ, मुझे याद रखा करें अपनी दुआओं में सो यहाँ पे मैं वीडियो एंड करती हूँ अपना ख्याल रखिएगा और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा तो शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट के भी डाउट क्लियर हो सके सो बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय अल्लाह हाफिज़